नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। सभी दर्शकों को मेरा बार बार नमस्कार। आज मैं आपको बड़ी गूढ़ रहस्य की बात बता रहा हूं, इसको कोई नहीं जानता है। एक समय की बात है कि जब सीता स्वयंवर हुआ था, उस समय सभी दिशाओं में, सभी राजाओं में सीता स्वयंवर का निमंत्रण गया, लेकिन अयोध्यापुरी में राजा दशरथ के यहां निमंत्रण नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, इसका एक रहस्य है। क्या एक पंडित, महापंडित ब्राह्मण थे, वो काशीपुरी में अध्ययन करते थे। अध्ययन करके परिपूर्ण हुए उन पंडित जी ने गुरु जी से आज्ञा ली और बोले, गुरुदेव मेरी विद्या परिपूर्ण हो गई, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, आप विद्या में परिपूर्ण हो इसलिए अपने घर जा सकते हो। पंडित जी अपने गांव को आ गए, सभी को बताने लग गए, सभी लोग उनको नमस्कार करने लग गए। पंडित जी को बड़ा घमंड हो गया, तो पंडित जी ने जो है घमंड आने से नम्रता खत्म हो गई। एक समय साधु महात्मा लोग आए, पंडित जी भी उसी तरफ जा रहे थे जिस तरफ वो महात्मा लोग आ रहे थे। उन पंडित जी ने उन साधु महात्माओं को नमस्कार नहीं किया। नमस्कार नहीं करने से साधु महात्माओं ने पंडित जी को श्राप दे दिया, जा खर हो जा, खर नाम गधे का है। पंडित जी उसी समय जो है खर का रूप धारण कर लिया और अपने घर को चल दिए। पंडित जी के घर जाने से वो जो खर रूप था, पंडिताइन ने सोचा ये खर कहां से आ गया, इसको दूर भगाओ। बच्चों ने जो है उसको दूर भगा दिया, लेकिन पंडित जी का वो घर था श्री, वो तो आते ही दो चार पांच सात रोज हो गए, पंडित जी घर नहीं पहुंचे। पंडिताइन जो है जनक जी के पास गई, महाराज मेरे पंडित जी जो है काशी से लौट के आए थे और नगरी में गए थे और उनको पांच सात रोज हो गए, आए नहीं, उनका पता लगाइए। राजा जनक ने जो है सिपाहियों को भेजा, चारों तरफ देखा, पंडित जी कहीं दिखाई नहीं दिए, वो खर रूप में देख कैसे दिखाई दे। राजा जनक ने अष्टावक्र जी महाराज से पूछा, महाराज एक पंडित थे काशी से आए थे, दो चार रोज रहे, उसके बाद में उनका पता नहीं लगाइए कहां है। अष्टावक्र जी महाराज के पास उन्होंने विद्या थी, उन्होंने शिवनेत्र के द्वारा पंडित जी को देखा तो उनका खर रूप दिखाई दिया। पंडित जी ने खर रूप धारण कर रखा है ऐसा देख करके राजा जनक से अष्टावक्र जी महाराज ने कहा, पंडित जी तो खर रूप में है, श्रापित है, तो पंडित जी का श्राप कैसे उतरे। अष्टावक्र जी ने कहा, जिनके पास तीन गुण हो, क्या एक ही घर का अन्न खाया हुआ हो, कभी जीवन में झूठ नहीं बोली हो, एक ही स्त्री का जो है मुखड़ा देखा हुआ हो, अगर ये तीन गुण जिसमें हो वो ही पंडित जी को जो है
विप्र रूप में ला सकते हैं। ये प्रसन्न राजा दशरथ के पास गया। दशरथ जी के तो पहले से ही तीन रानियां थी और कभी झूठ भी बोला होगा। दशरथ जी ने सोचा ये गुण कौन राजा में हो सकते हैं। ऐसी चिंता में पड़ गए। तीन दिन तक जो है दशरथ जी ने भोजन नहीं किया। भोजन नहीं करने से वहां का अयोध्या का एक भंगी उसने भी भोजन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो राजा दशरथ के भोजन का भोजन जो बसता था वही खाता था। इसलिए भंगी ने भगवान से कहा, अरे भाई राजा जी को कौन सी चिंता सताने लग गई जो उन्होंने खाना नहीं खाया, तो आप मेरे को लेके चलो। क्यों? वो अंधा था। इसलिए भंगन ने भंगी को जो है साथ लेकर के राजा दशरथ के दरबार में लेकर के आई। राजा दशरथ को जो है भंगी आकर के नमस्कार किया और भंगी ने बोला, महाराज ऐसी कौन सी चिंता है जो आपने भोजन नहीं किया। दशरथ जी ने सोचा इसको कैसे मालूम चला भाई अपन ने भोजन नहीं किया। भंगी ने बोला, महाराज मैं भी आपकी नगरी का एक सदस्य हूं, आप मेरे को भी बताइए। तब जाके राजा दशरथ जी ने उस भंगी को वृतांत सुनाया। जैसे ही वृतांत सुनाया भंगी ने कहा, महाराज छोटा हूं बड़ी बात, मैं आपकी नगरी का एक भंगी हूं, लेकिन ये तीन गुण जो है मेरे में। राजा दशरथ ने बोला, कैसे? बोला, सबसे पहले बात तो मैं जन्मांध हूं, जन्म से अंधा हूं। दूसरी बात, अंधा होने के कारण मैं बाहर नहीं जाता हूं, इसलिए झूठ बोलने की मेरी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरी बात, अंधा होने के कारण मैंने मेरी पत्नी का भी मुख नहीं देखा, तो मैं दूसरी स्त्री का मुख कैसे देख सकता हूं। और एक ही घर का अन्न खाया है, जो आपके ही घर का अन्न खाया है, आपकी झूठन खाई है, और मैंने मेरे घर का भी अन्न नहीं खाया। दशरथ जी ने सोचा ये तो बड़ा तपदारी है। तो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हुए थे। वहां उस भंगी ने जो है जाने के लिए आग्रह किया। राजा दशरथ जी ने सोचा भंगी को भेजेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी, पर ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, ज्ञान का कोई धर्म नहीं होता है। इसलिए भंगी को भेज दिया था। भंगी को वहां भेज दिया। सभी ऋषिगण बैठे थे। भंगी ने वहां जाकर बोला, भाई ये सभा किसकी बैठी है? वहां से उत्तर आया, भाई एक पंडित जी श्रापवश घर का रूप धारण करके और यहां खड़े हैं, इसलिए उसकी चर्चा चल रही है। बोले, हाँ उस चर्चा चल रही है, उस जगह मेरे को भी छोड़ो, मैं अयोध्या से आया, राजा दशरथ जी ने मेरे को यहां भेजा है। इतना सुनते ही जो जहां ऋषियों का झुंड बैठा था वहां उस भंगी को भेज दिया। भंगी ने नमस्कार करके कहा, अकि मेरे को राजा दशरथ जी ने भेजा है जो आपके
पंडित जी जो है खड़े हुए हैं, उनका और कोई भी कारण हो बताओ। वहां ऋषि ने कहा, भाई भंगी, जिसमें ये तीन गुण हो वो ये कच्चा घड़ा है, कच्चा सूत है, इस कच्चे सूत को एक हाथ से घड़े को बांध करके और एक हाथ से जल निकालो और इस घर के ऊपर डालो तो ये जो है विप्र रूप धारण कर सकता है, अगर आप में ये तीन गुण हो तो। भंगी ने कहा ठीक कर बना। भंगी ने कुएं के ऊपर जो है ले जाकर के खड़ा कर दिया। सबसे पहले भंगी भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करने लगे, हे सूर्यदेव, आज आपके कुलवंश के ऊपर जो है घात है, आपके कुल की रक्षा करने हेतु मैं यहां आया हूं, तो रक्षा करने वाले आप हैं, मैं तो एक भंगी हूं। आज अगर ये मिट्टी का घड़ा पानी में पिघल गया या ये सूत्र टूट गया तो आपके परिवार की, आपके वंश की मर्यादा जो है खत्म हो जाएगी। इतना सूर्यदेव ने सुना तो सूर्यदेव वहां प्रकट हुए और भंगी से कहा, भंगी तुम जल निकालो और इस घर के ऊपर डालो, मैं यहां खड़ा हूं, ये नहीं तो सूत टूटेगा नहीं घड़ा टूटेगा। भंगी को क्या था, भगवान सूर्य सामने खड़े थे, उसने जल्दी जल्दी जो है सूत को लपेटा, घड़े को बांधा और जोर से छोड़ा और घड़े को भर के पानी में कुएं से और घर के ऊपर डाल दिया। डालते ही घर जो है विप्र का रूप लेकर के और खड़े हो गए। सभी ऋषियों ने देखा, भले अयोध्या का भंगी इतना बड़ा काम कर सकता है तो राजा दशरथ क्यों नहीं कर सकते हैं, ऐसा विचार करके और सबको अचंभित देखा, सभी लोग अचंभित हो गए। भंगी बड़ा ज्ञानी है, सभी ने सोचा वहां के सभी लोग ज्ञानी होंगे, क्यों कि राजा दशरथ बड़े ज्ञानी थे। इसी कारण जब सीता का स्वयंवर हुआ धनुष तोड़ने का, तो जगह जगह जो है निमंत्रण दिया था, वहां वहां के लोग राजा लोग उस स्वयंवर में पधारे। उधर भगवान राम भी जो है गुरु जी के पास शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, वहां भी निमंत्रण गया हुआ था। गुरु जी के साथ राम और लक्ष्मण भी वहां आए, सब सभा में बैठे हुए थे। धनुष यज्ञ चालू हुआ, किसी भी राजा से वो धनुष नहीं उठा। जब भगवान विश्वामित्र जी ने राम को आदेश दिया, राम इस धनुष को उठाओ और उसके ऊपर चाप चढ़ाओ, जैसे ही राम उठे सब राजा लोग हंसने लग गए, बच्चे को देख करके बड़े बड़े महारथियों से वो धनुष नहीं उठा, ये बच्चा कैसे उठाएगा। जनक जी को भी चिंता हो गई। राम जी ने गुरु जी को नमस्कार करके और धनुष उठाया और उसके जैसे ही उसके ऊपर चाप चढ़ाया वो धनुष टूट गया। धनुष टूटते ही जनक जी ने उनका परिचय मांगा, तो विश्वामित्र जी ने उनका परिचय दिया कि राजा दशरथ जी के पुत्र हैं बड़े राम और लक्ष्मण। जनक जी ने सोचा वहां तो मैंने निमंत्रण ही नहीं दिया था, क्यों, मैंने इस वजह से निमंत्रण नहीं दिया, अगर जो ब्राह्मण श्राप से खर बन गया था
और उस घर को वापस ब्राह्मण रूप में लाने के लिए भंगीर को भेज दिया, तो हो सकता है राजा दशरथ भी और भी किसी भंगी को भेज दे स्वयंवर में और सीता का विवाह उस भंगी के साथ हो जाए, तो अपनी क्या रह जाएगी। इसलिए राजा जनक ने अयोध्या में निमंत्रण नहीं दिया। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। इस कथा को सुनकर के बेल बटन को दबावें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।